ये महाकाल आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेसमेंट ड्राइवर की, तो आप लोग की वैकेंसी 2020 में निकल के आई थी। 1522 आप लोग की टोटल वैकेंसी थी जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए, फिजिकल आप लोग के फिनिश हो गए। इसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम हुआ जी, ऑनलाइन आप लोग का रिटर्न एग्जाम लिया गया। रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आया, रिजल्ट के तुरंत बाद ही आप लोग का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ 2 से 3 दिन का समय आप लोग को दिया गया, तो सितंबर 2023 का मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहा। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आप लोग के फिनिश करा लिए गए हैं। 15 सितंबर 2023 तक आप लोग के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट चले हैं। कुछ सेंटरों पे ट्रेड टेस्ट के बाद जो फाइलें वगैरह हैं आप लोग की सेंड कर दी गई हैं। इसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप है, आप लोग की जो है लिस्ट आएगी, लिस्ट के अनुसार जो है आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग के आएंगे, तो इसका प्रोसेस अब आप लोग को स्टार्ट होगा। जी हाँ, बहुत ही जल्द आप लोग के मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं। सेंटरों से जैसी इन्फॉर्मेशन आप लोग की निकल के आ रही थी, सितंबर 2023 में ही आप लोग का जो है रिजल्ट और इसके बाद मेडिकल के एडमिट कार्ड वगैरह और मेडिकल आप लोग के स्टार्ट होने की इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी। जानकारी आप लोग को दी गई थी, लेकिन एक्चुअल जानकारी आप लोग को बहुत ही जल्द मिलेगी। जैसे ही अभी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बोर्ड वगैरह जो आप लोग का बैठेगा मेडिकल के लिए, पूरी जानकारी मिलते ही आप लोग को बताई जाएगी। लेकिन ये क्लियर है कि पूरे पूरे चांस है आप लोग के सितंबर लास्ट से ही यहाँ पे मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, मेडिकल आप लोग के सितंबर लास्ट से ही यहाँ पे स्टार्ट होने हैं और अक्टूबर का मंथ आप लोग के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का जो मेरा वीडियो है वो मेडिकल से रिलेटेड है। जी हाँ, अब आप लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल को लेकर के स्टूडेंट परेशान नहीं है। जी हाँ, मेडिकल को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और मेडिकल के को लेकर के आप लोगों को परेशान होना ही नहीं चाहिए। इससे सिंपल आसान स्टेप कोई भी नहीं है आपकी इस रिक्रूटमेंट में। यदि आपका रिटर्न एग्जाम अच्छा रहा है, नंबर आप लोग के अच्छे हैं, सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा। लेकिन मेडिकल भी एक स्टेप है और इसको भी क्लियर करना तो जरूरी है। तो छोटी छोटी चीजों की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। मेडिकल में क्या क्या चीजें कराई जाती हैं, किस किस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। सिलेक्शन आप लोगों का होगा। जी हाँ, सिलेक्शन होगा। ये भर्ती एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यदि सिलेक्शन आप लोग का अभी तक कही नहीं हुआ है, तो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की जो ये वैकेंसी है, ये आप लोगों के लिए ही रुकी हुई थी। सिलेक्शन आप लोग का होगा। तो मेडिकल बहुत ही जल्द आप लोग के स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, सेप्टेम्बर का मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जानकारी आप लोग को दी जाएगी। चलिए मेडिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेडिकल के लिए भी आप लोग को बुलाया जाएगा। सेंटरों से इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अभी क्लियर जानकारी मिलती है आप लोग को बताई जाएगी। जी हाँ, सितंबर में ही आप लोग के मेडिकल की इन्फॉर्मेशन है, तो मेडिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन आप लोग को जाना है। और मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे मेडिकल में आप लोग के 2 से 3 दिन के समय, दो से तीन दिन का समय आप लोग का लग सकता है। 2 दिन का समय मिनिमम आप लोग का लगना है। तो 2 से 3 दिन का समय आप लोग को लग सकता है। इतना समय आप लोग लेकर के घर से निकलेंगे जब भी आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाए। कट ऑफ की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, इतने नंबर आप लोग के आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं। बाकी एसएसबी जो है अपने अनुसार जो है एडजस्टमेंट करता है। सारी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। चलिए, मेडिकल के लिए आप लोग को बुला दिया गया है। मैंने मेडिकल की पूरी डिटेल आप लोग के लिए नोट कर दी है, ताकि कोई भी मिस्टेक, कोई भी चीजें जो है आप लोगों के ऐसी चीजें रह ना जाए जिसकी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम उठानी पड़े। तो देखिए, मेडिकल के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, तो मेडिकल बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेडिकल में ज्यादा दिक्कत आप लोग नहीं लेंगे। आप लोग को प्रॉब्लम होगी, आप लोग को कहां पे किस चीज में प्रॉब्लम आ रही, आंख में, नाक में, कान में, दांत में, तो आप लोग जो भी आप लोग के जिला अस्पताल वगैरह है वहां पे आप लोग एक बार मेडिकल करवा लीजिए। आप लोग 2 रुपए की पर्ची कटती है, किसी को पकड़िए, 150 रुपए दीजिए, 200-400 रुपए कितने एक्स्ट्रा लगेंगे, बिल्कुल मेडिकल आप लोग का हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। और यदि पूरी तरीके से मेडिकल नहीं करवाना चाहते हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, आईज है, टीथ है, ईयर वगैरह, इन सब चीजों की जांच तो आप लोग करवा ही सकते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब चीजें, एक्सरे वगैरह, इन सब चीजों की तो जांच आप लोग करवा सकते हैं। तो आप लोग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं जिला अस्पताल से। बिल्कुल मैं आप लोग बता दूं, कुछ पैसे आप लोग के लगेंगे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे। और ये मेडिकल में अगर थोड़े बहुत पैसे लग भी रहे हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सारी टेक्निक मैंने आप लोग को बता दी है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले जब भी आप लोग सेंटर में बुलाए जाएंगे, जहां भी आप लोग को बुलाया जाएगा, जो भी बोर्ड होगा वहां पे 1 मेंबर 2-3 मेंबर आप लोग को जरूर मिलेंगे। ठीक है, 3 से 4 मेंबर तक आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो
किसी के द्वारा भी आप लोग का मेडिकल लिया जा रहा हो, सबसे पहले आप लोग को लेबोरेटरी जांच के लिए ही लेके जाया जाएगा। जी, लेबोरेटरी जांच के लिए आप लोग को लेके जाया जाएगा। फिर चाहे वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जैसा भी होगा, ठीक है, जो भी एसएसबी ने हायर किया होगा, जो भी, वहां पे आप लोग को ले जाया जाएगा। और वहां पे आप लोग का जो है ब्लड जांच, ब्लड टेस्ट होने वाला है, यूरिन टेस्ट आप लोग का होने वाला है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जी, ब्लड टेस्ट में आप लोग का जो है यहाँ पे शुगर देखी जाती है, हीमोग्लोबिन देखी जाती है, और कोई जैसे पीलिया वगैरह, कुछ ड्रग्स वगैरह, हाई लेवल कुछ ड्रग्स वगैरह तो नहीं है आपके ब्लड में, ठीक है। तो इस प्रकार की जांचें आप लोग की होती हैं, यूरिन टेस्ट होता है, तो यूरिन के अंतर्गत आप लोग का जो है इन्फेक्शन वगैरह देखा जाता है और कुछ नहीं। इसके अलावा आप लोग का बीपी वगैरह भी देखा जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग की जांच होंगी, जिसके लिए आप लोग को लेबोरेटरी में लेके जाया जाएगा, जो भी अस्पताल वगैरह होगा। तो उसकी रिपोर्ट आने में, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, उसकी रिपोर्ट आने में समय लगता है। और लैब जांच के लिए आप लोग को अकेले नहीं लेके जाया जाता, सभी स्टूडेंट को लेके जाया जाता है, तो समय वहां पे आप लोग का लग जाता है। जी हाँ, आप लोग के समय लग जाएगा, 12 बज जाएंगे, 2, 3, 4 तक बज जाते हैं, ठीक है, समय लग जाता है और रिपोर्ट आती नहीं है। इसलिए नेक्स्ट डे ही आप लोग का जो है बाकी का मेडिकल यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, 2 से 3 दिन का समय तो आप लोग का लगना ही लगना है। तो नेक्स्ट डे आप लोग की जो है रिपोर्ट वगैरह आप लोग की आ जाती है, जो भी ब्लड की, यूरिन की जांच वगैरह होती है, उसकी रिपोर्ट आप लोग की पहुंच जाती है और साथ में आप लोग का मेडिकल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे हाइट, वेट, चेस्ट आप लोग की दोबारा से जांच होगी। जी हाँ, यहाँ पे वेट की भी जांच होती है, हाइट जो है आप लोग का हाइट होनी चाहिए, जो भी ठीक, जो भी क्राइटेरिया आप लोग का दिया गया है उतनी आप लोग की हाइट होनी ही चाहिए मिनिमम। और इसके अलावा आप लोग का चेस्ट और वेट भी आप लोग का देखा जाता है। वेट जो होता है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर एक वीडियो मैं आप लोग को अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी आप लोग का लंबा होने वाला है। तो वेट के अकॉर्डिंग आप लोग का, हाइट के अकॉर्डिंग आप लोग का वेट होना चाहिए, 2 से 3 किलो तक ऊपर नीचे है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा, यदि आप लोग का वेट ज्यादा है, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, कई बार, देखिए मेडिकल में आप लोगों को क्लियर कर दूं, कई बार मैंने देखा है यहाँ पे 4-4, 5-5 किलो तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कुछ सेंटरों पे 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा होने पे भी दिक्कत आ जाती है, यानी कि ऊपर नीचे होने पे भी दिक्कत आ जाती है। तो वेट को आप लोग मेंटेन करके चले, मैं आप लोग को बता दूं। जी हाँ, वैसे 2-3-4 किलो तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, वेट हो गया आप लोग का। और इसके अलावा मैंने आप लोग को बता दें, बीपी की भी जांच होती है, तो बीपी वगैरह पे भी आप लोग कंट्रोल रखिए, एक बार जांच आप लोग करवा लीजिए। मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, जी बीपी की जांच आप लोग करवा लीजिए। बीपी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने पे आपको समय दिया जाएगा, बीपी को कंट्रोल करने का समय दिया जाएगा। यदि ठीक रहता है तो आप लोग क्लियर करेंगे, नहीं तो आप लोग को पॉइंट मिल सकता है। जी हाँ, बीपी आप लोग का यदि ऊपर नीचे है तो आपको समय दिया जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक भी नापा जाएगा कि आपके बीपी जो है सही आ जाए। यदि नहीं आती है तो आप लोग को पॉइंट भी मिल सकता है बीपी में। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आईज की है। तो आईज आप लोग का जो है बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। आईज में मैं आप लोग को बता दूं, जो बीमारी जो साफ दिखाई देती है वो चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि भेंगापन हो गया। भेंगापन तो आईज में होना नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि ये चीज है तो आप बिल्कुल, आप लोग फोर्स के लायक है ही नहीं, फोर्स के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। कलर ब्लाइंडनेस होना ही नहीं चाहिए, भेंगापन नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बहुत से बच्चों की आंखों में तिल होती है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप लोग की आईसाइट होनी चाहिए वो 6x6 हो, 6x9 है तो भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा यदि आप लोग की आईसाइट में प्रॉब्लम है, 6x10, 12, 14, तो बिल्कुल आप को पॉइंट यहाँ पे मिलना ही मिलना है। जी, ये बाहर नहीं किया जाएगा लेकिन पॉइंट मिलेगा। और इस पॉइंट को आप लोग कैसे तोड़ेंगे, 24 घंटे का समय ही आप लोग को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मेडिकल में आप लोग को 10 से 12 15 दिन का समय नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का समय आप लोग को मिलता है उस पॉइंट को तोड़ने के लिए। यदि पॉइंट टूटता है ठीक है, नहीं तो फिर बाहर। तो इस प्रकार से आप लोग की आई टेस्ट वगैरह होगी, ठीक है। और जो भी आप लोग का होगा 6x6, 6x9 मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पे भेंगापन वगैरह आप लोग को नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आप लोग का नेक्स्ट है वो है कान। कान मैं आप लोग को ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आईज आप लोग की हो चुकी है, आईज आप लोग की ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट है वो आप लोग का कान से है। तो कान देखिए, कान सबसे पहले आप लोग के साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। कान साफ सुथरे होने चाहिए, कोई गंदगी वगैरह ना हो अंदर। और इसके अलावा जो कान का पर्दा है वो ठीक होना चाहिए, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी तो आप लोग के पास समय भी नहीं है, यदि आपके कान के पर्दे में छेद है तो उसका ऑपरेशन करवाया जा सके और उसे ठीक कराया जा सके। अब तो आप लोग के पास समय भी नहीं है,
तो कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, मवाद वगैरह जैसे बहता है ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई इन्फेक्शन वगैरह आप लोग को नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे कान में, इसके अलावा और कुछ आप लोगों का नहीं चेक होगा। कान आप लोग का जो है सुनाई देनी चाहिए बिल्कुल, कान में आप लोगों को जो है आवाज करके यहाँ पे देखा जाएगा, कान ठीक ठाक होने चाहिए, कान जो है जो डेसिबल जो सुनाई देती है वो चीजें सुननी चाहिए, जो चीजें बजा के दिखाई जाएगी वो चीजें आप लोग को आवाज आनी चाहिए, तो ये आप लोग का कान का टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट है मैं आप लोग को बता दूं, नोज, जी हाँ नोज पे भी आप लोग को फोकस रखना है, नोज में मैं आप लोग को बता दूं जो हड्डियां बढ़ जाती हैं ये प्रॉब्लम डीएनएस की प्रॉब्लम आप लोग की नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा जैसे कि दौड़ते हैं आप लोग, रनिंग वगैरह करते हैं, कोई ब्लड वगैरह आप लोग का निकलता है नाक में से, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एट ए टाइम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग को नोज में पॉइंट मिल जाए। तो यदि डीएनएस की प्रॉब्लम नहीं है, हड्डी हड्डी बड़ी हुई नहीं है, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, नोज भी आप लोग की साफ सुथरी होनी चाहिए। चलिए इसके बाद नोज हो गया, ईयर हो गया, आईज हो गया, अब आप लोग की बात आती है टीथ पे, तो टीथ आप लोग का मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के होते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के होने चाहिए, 8 से ज्यादा दांत आप लोग के गायब नहीं होने चाहिए, सामने के 2 दांत यदि गायब हैं तो दिक्कत हो सकती है, मैं आप लोग को बता दूं दांतों में गैप ज्यादा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गैप ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा 2 दांत के बराबर ऐसा गैप हो, ठीक है, गैप कम है कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके अलावा जो आप लोग के जबड़े वगैरह हैं, 2 से 3 जबड़े यदि आप लोग के गायब हैं तो भी आप लोग की दिक्कत हो सकती है, 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के होने चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों को मिला के 1 नंबर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर जबड़े जो होते हैं उसके ऊपर नीचे यदि दोनों साबुत हैं ठीक ठाक हैं तो उसके आप लोग के 2 नंबर होते हैं, इस प्रकार से काउंट होता है, यदि नीचे सही है ऊपर का आउट है तो 1 नंबर पूरा पूरा गायब हो जाता है आप लोग का, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के बनने चाहिए, जबड़ों के 2 नंबर होते हैं, आगे के जो टीथ होते हैं 1-1 नंबर आप लोग के यहाँ पे होते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। और एक बात जो है दांतों को साफ करवा लीजिए, थोड़ी साफ सुथरे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गुटखा पान वगैरह ये सब चीजें आप लोग का लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे आप लोग के दांत होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग को बताया कि दांत टूटे हुए हैं, देखिए दांत टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दांत टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग उसके लिए कैप वगैरह लगवाएं, ठीक है, कैप वगैरह आप लोग मत लगवाएंगे उससे दिक्कत होगी। यदि आप लोग का दांत कोई सड़ा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, तो उसे निकलवा करके आप लोग उसकी फिलिंग करवा लीजिए, जी उसे भरवा लीजिए, बस कैप वैप लगवाने की आप लोग को जरूरत नहीं है, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और दांतों के गायब होने पर 1 दांत ही काउंट होगा, मैंने आप लोग को बता दिया है। इसके अलावा मैं आप लोग को बताऊं, जी हाँ जैसे जैसे आप लोग नीचे आते हैं, आप लोग के जो है ये गर्दन वगैरह है यहाँ पे, जैसे आपके शोल्डर वगैरह होते हैं, शोल्डर आप लोग के ठीक होने चाहिए, ऐसे ना हो कि 1 शोल्डर ऐसे है 1 शोल्डर ऐसे है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, यदि इस तरह से है तो बिल्कुल आप लोग को पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है और वो पॉइंट आप लोग का टूटेगा भी नहीं, जी हाँ वो ठीक होने वाला भी नहीं, तो शोल्डर आप लोग के ठीक ठाक होने चाहिए यूं करके, और यूं करके शोल्डर आप लोग के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती है, कुछ लोगों के जो है मीन्स जेनेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए, और आपकी हर्निया की कुछ प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो ये सब चीजें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यदि ऑपरेशन हुआ है तो कितने समय पहले हुआ है, यदि काफी पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि लेटेस्ट है तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग को हो सकती है, कोई बड़ा ऑपरेशन आप लोग का हुआ है कहीं पे भी और लेटेस्ट ही अभी ऑपरेशन हुआ है तो प्रॉब्लम आप लोग को हो सकती है, यदि ऑपरेशन आप लोग का 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी रिपोर्ट वगैरह आप लोग रख लेंगे, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन कैसा भी ऑपरेशन हो। चलिए मैंने आप लोग को शोल्डर का बता दिया, शोल्डर आप लोग का ठीक होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है हाथों की, तो देखिए हाथों पे आप लोग को पूरा फोकस रखना है, हाथों में आप लोग के कंपन नहीं होने चाहिए इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे हाथ आप लोग के कांपने नहीं चाहिए, उंगलियां आप लोग की ठीक होनी चाहिए सभी उंगलियां, ठीक है, यदि 6 उंगलियां हैं तो 6 उंगलियां भी आप लोग की प्रॉब्लम कर जाएंगे, मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ फिंगर 5 होनी चाहिए, यदि कोई फिंगर कटी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि थोड़ी बहुत कटी है कोई दिक्कत नहीं, पूरी पूरी फिंगर गायब है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, फिंगर थोड़ी सी कटी हुई है लेकिन फिंगर वर्क कर रही है तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी, ठीक है, इन सब चीजों, ये बहुत छोटी छोटी पॉइंट है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके अलावा हाथों में आप लोग के पसीने आते हैं, ठीक है, यदि पसीना आता है तो बिल्कुल प्रॉब्लम का विषय है, पॉइंट आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, हाथों में कंपन नहीं होने चाहिए, हाथ ठीक ठाक होने चाहिए, हाथों को आप लोग को बिल्कुल सीधा करके देखा जाएगा, हाथ ऐसे ना हो कि बिल्कुल ऐसे करके आपके हाथ हो या ऐसे, ठीक है, हाथ बिल्कुल जो नॉर्मल हाथ होते हैं बिल्कुल हैंड उसी तरीके से होते हैं, आपकी मुट्ठियां देखी जाएगी, बैंड वगैरह लगते हैं नहीं लगते हैं, फिंगर वगैरह चल रही है नहीं चल रही, ये सब चीजें आप लोग की देखी जाएंगी। तो यहां तक का आप लोग का हो गया है, मीन्स हैंड तक का प्रोसेस आप लोग का आपका हो चुका है।
चलिए इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। अब जैसे जैसे आप लोग नीचे पहुंचते हैं, देखिए तो आप लोग का हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइड्रोसिल की ये सब चीजें प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पानी वगैरह भर जाता है, ठीक है, जो वृषण वगैरह होते हैं इनमें जो गोलियां होती है, ठीक है, उनमें जो अंडाशय इसमें साइज जो है छोटे बड़े नहीं होने चाहिए जो भी आप लोग के, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग का जो है इसका चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसके अलावा पाइल्स की प्रॉब्लम भी आप लोग को नहीं होनी चाहिए, यदि प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल पाइल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोग और नीचे आते हैं तो पैरों में मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे पैरों की बात आती है तो सबसे पहले आप लोग का जो एक पॉइंट होता है यहाँ पे वेरिकोज वेनिस का, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग की पैरों में नसें दिखाई देती है, जी हाँ, एक सिंगल नसें होती है जो मीन्स जो सभी के होती है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नसें बहुत अजीब तरीके की होती है, गुच्छे में दिखाई देती है, ठीक है, नसें बिल्कुल चमकती हैं दूर से पैरों में, जैसे कि बहुत सारे नसों का जाल बना हुआ है, नसें दिखाई दे रही हैं पैरों चलने में, चलते चलते उसमें अलग ही तरीके से वो शो होती है। तो यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग को यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पॉइंट आप लोग को मिल जाएगा, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को नौकनी की प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए, नौकनी की प्रॉब्लम आप लोग जानते हैं, एड़ियों को सटाने पे जो है घुटने सटने नहीं चाहिए, घुटने ऐसे ना हो कि आपके पैर ऐसे और घुटने ऐसे सट के पैर ऐसे हो जाए, ऐसे भी आप लोग के नहीं होने चाहिए, ठीक है, एड़ियां सटाने पे पैर आप लोग के ऐसे ऐसे होने चाहिए, थोड़ी बहुत घुटने में आप लोग का जो गैप होना चाहिए, तो नौकनी की प्रॉब्लम आप लोग की ना हो। इसके अलावा फ्लैट फुट जो आप लोग का पैर की एड़ियां होती हैं, एड़ियां बिल्कुल सपाट नहीं होनी चाहिए, आप लोग को वहां पे पानी पे चला के देखा जा सकता है, मिट्टी में गीले पैर से आप लोग को चलवा के देखा जा सकता है, उससे पता चल जाएगा आप लोग को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है या नहीं है। यदि ये सब चीजें प्रॉब्लम है तो आप लोग ठीक कर सकते हैं, समय वैसे भी बहुत कम है लेकिन प्रयास आप लोग कर सकते हैं, यदि नौकनी फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो आप लोग, जी हाँ, नौकनी की प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पैरों के बीच में तकिए लगा के सो सकते हैं, आगे से एड़ी से पैरों को बांध के बीच में तकिए लगा के इस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, नौकनी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम आप लोग को बता दी है, और इसके अलावा मैंने आप लोग को कुछ हैंड्स पाइल्स हाइड्रोसिस हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम आप लोग को बता दी है, ठीक है। इसके अलावा शरीर का कोई भी अंग आप लोगों का जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, मैं आप लोग को बता दूं जी, सभी अंग आप लोग के प्रॉपर सही तरीके से सीधे होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, फिर चाहे वो आप लोग की रीढ़ की हड्डी हो, हाथ हो, आप लोग के पैर हो, आप लोग के कुछ भी चीजें हो, आप लोग ठीक ठाक उनकी स्किन वगैरह जो है ठीक ठाक हो, कुछ ऐसी एलर्जी प्रॉब्लम्स वगैरह आप लोग की शो नहीं होनी चाहिए, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो उसका आप जो है मेडिकल जरूर रख लेंगे, उसका जो भी आप लोग का जो भी टेस्ट वगैरह आप लोगों ने कराए थे जरूर रख लेंगे, यदि समय से पुराना का काफी पहले हुआ था और कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि लेटेस्ट में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, फिर चाहे वो हर्निया की प्रॉब्लम हो या फिर आप लोग की कोई और प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम होती है टैटू की, टैटू को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, देखिए मेरा तो ये मानना है कि टैटू आप लोग कहीं पे लगाइए मत, टैटू बनवाइए ही मत यदि आप लोग फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है स्टार्टिंग में जब तैयारी नहीं करते हैं उसी वक्त जो है टैटू वगैरह बनवा लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि आगे जाकर के इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें डिफेंस में जाना है, हमें क्या करना है, हमें किसमें कैरियर बनाना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो उन्हें लगता है कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई, बिल्कुल यदि टैटू है आपके हाथ में तो प्रॉब्लम आप लोग को हो जाएगी, राइट हैंड में जो है आप लोग की जो हैंड है इसमें प्रॉब्लम आप लोग की आ जाएगी, यदि आपके टैटू बना हुआ है बड़ा टैटू है तो बिल्कुल आप लोग को प्रॉब्लम आएगी, छोटा टैटू है ओम वगैरह लिखा है कोई मीन्स इस प्रकार से जो प्रेयर वाली चीजें जो साइन होते हैं यदि है छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो भी प्रॉब्लम आप लोग को हो सकती है, टैटू को आप लोगों ने मिटा दिया है यानी कि किसी तरीके से हटा लिया है लेजर के द्वारा या कैसे भी अगर वो मिट चुका है ठीक है तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, लेकिन जो भी हो लेटेस्ट ना हो पहले से ही आप लोगों ने किया हुआ हो ज्यादा आप लोग का अच्छा रहेगा, फिर चाहे वो लेजर हो या फिर किसी भी तरीके से आप लोगों ने टैटू को हटवाया हो, तो टैटू प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड में दिक्कत नहीं है लेकिन राइट हैंड में आप लोग का दिक्कत आ जाती है, और शरीर पे कहीं पे भी यदि बड़ा टैटू है तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं आप लोग क्लियर होगी, बड़ा टैटू आप लोगों का होना ही नहीं चाहिए, ये थोड़ी सी डिफेंस के रूल्स के विपरीत है। चलिए टैटू की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, मेंटल हेल्थ आप लोग की ठीक होनी चाहिए, बॉडी आप लोग की शरीर आप लोग का स्वस्थ होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, मैंने आप लोग को सब बता दिया, नाक आंख कान
हाथ पैर एवरीथिंग आप लोग को बता दिया है, ठीक है। ब्लड जांच होगा और आप लोग की यूरिन जांच होगी, हाइट वेट टेस्ट देखी जाएगी, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये क्लियर करते ही आप लोग की रिपोर्ट भी शाम तक आप लोग के जो है वहां पे पहुंच जाएगी, वहां आप लोग का सारा कुछ सबमिट हो जाएगा और रिपोर्ट वगैरह देखते हुए आप लोग का जो है मेडिकल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉइंट यदि आप लोग को मिलता है तो आप लोग को 24 घंटे का समय दिया जाएगा। एक से दो दिन तीन दिन भी लग जाते हैं आप लोग को, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, लेकिन 24 घंटे का समय आप लोग को दिया जाता है यहाँ पे मेडिकल को तोड़ने के लिए। कोई बड़ा प्रॉब्लम बड़ा पॉइंट नहीं है तो टूट जाता है इजिली, लेकिन कोई बड़ा पॉइंट है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आप लोग की कलर विजन की प्रॉब्लम हो गई, कोई हड्डी टेढ़ी है, भेंगापन है, इस प्रकार की चीजें हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन करवाया है, कोई बड़ी प्रॉब्लम, तो आप लोग को दिक्कत आ जाएगी, वो आप लोग के पॉइंट नहीं टूट सकते हैं। तो इजिली आप लोग मेडिकल क्लियर कर जाएंगे। जिला अस्पताल जाइए, आंख नाक कान चेक कराइए, मेडिकल कराइए, 150 रुपए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मेडिकल से इजी स्टेप कुछ भी नहीं है, मेडिकल सिर्फ आपके शरीर की जांच है, एग्जामिन है, आप डिफेंस के लायक हैं या नहीं। जी हाँ, यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको बाहर होना ही पड़ेगा, यदि छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो उसे आप लोग ठीक कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। आने वाले समय में आप लोग को इसी प्रकार से वीडियोस मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम से जुड़िए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिलेक्शन सबका होगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम पर। चैनल से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि जल्द पर चैनल सब्सक्राइब बटन को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लगता है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।